से आप लोग उम्मीद करता कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, दो चार महीने से काफ़ी यहाँ ठंडा हो गई है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो मैं जा रहा हूँ एक दूसरे दोस्त के पास, वो इंडिया से आया है। मैंने इंडिया से अपना ग्लास जो है मंगाया, काफ़ी यहाँ सऊदी अरेबिया में, अगर कोई आप लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और आप लोग का चश्मा जो पावर का चश्मा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग अपना वहीं से बना के लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पावर का जो चश्मा है काफ़ी महंगा मिलता है। कम से कम आपको जो मैंने ये ख़रीदा है ये चश्मा कर लीजिएगा तो कम से कम ये 14,000 का इंडिया का ये चश्मा है। तो इसीलिए अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हैं तो अपना सेफ्टी का जो ग्लास होता है उसमें पावर लगा के आएँ, और नॉर्मल अगर पहनते हैं जो भी चश्मा ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग चश्मा लेके आए। यहाँ काफ़ी कॉस्टली रहता है तो हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ सऊदी में अभी फ्राइडे है आज, और तारीख 21 तारीख है, काफ़ी बता नहीं सकता हूँ कितना है, तेज़ हवा चल रही है। तो चलिए बने रहिए, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ और जहाँ मैं जाऊँगा दोस्तों, दो मिनट में हम अभी अल सऊदी कैंप पहुँचने वाले हैं। जो मेरा फ्रेंड जो है वो जो इंडिया से आया है, वो तो मैंने अपना चश्मा ले लिया है, और जो फ्रेंड मेरा इंडिया से आया था, और उसे चश्मा लेने के बाद रास्ते में एक लुलू पड़ता है, मैं कभी आज लुलू से मैंने सोचा कि कुछ सामान ले लूं, तो लुलू में कभी कभी ऑफ़र रहता है फ्राइडे को, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में मैंने बताया कि लुलू में हाइपर में सब में फ्राइडे को ऑफ़र लेता है। तो आज 5 रियाल का मैंने 1 kg सेब एप्पल लिया है, तो मैंने सोचा कि ले लिया है, लोग खा लेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम अल सऊदी कैंप जा रहे हैं, ये जो हमारे पीछे दिख रहा है यही अल सऊदी कैंप है। अल सऊदी कैंप के बाद मैं लुलू गया लेने के बाद, एक्चुअली मैं इसके अंदर जा कर वीडियो नहीं बना पाया, नहीं देखा पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि अंदर जाना अभी कोविड के समय में अलाउ नहीं है। तो मैं बाहर ही से, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं अंदर जा कर वीडियो बनाऊँगा खासकर आप लोगों के लिए। मैं अभी बाहर से ही, वो मेरा जो फ्रेंड था जो यहाँ इसके अंदर रहता है अल सऊदी में कैंप में, उसने सामान ला के मुझे दिया और मैं लेके चला आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मैं अभी चश्मा पहना हुआ हूँ, ये अभी इंडिया से मेरे फादर ने भेजा है, क्योंकि यहाँ चश्मा काफ़ी महंगा मिलता है। और कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं इसका भी दिखाऊंगा, लुल्लू का भी दिखाऊंगा। पर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक।